नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि MCC की जो आपकी स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग थी BDS और BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या कट ऑफ रही आपकी कैटेगरी वाइज, जनरल, OBC, EWS, SC ST कैटेगरीज की क्या फाइनल कट ऑफ रही है 2021-22 सेशन के जो फाइनल एडमिशन हुए हैं आपके BSc नर्सिंग के और BDS के जो जो नीट कट ऑफ है, वो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। साथ ही साथ आने वाले जो आपके BSc नर्सिंग के पैरामेडिकल कोर्सेज के, BSc एग्रीकल्चर के और वेटनरी कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए आपके लिए हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। आने वाले 5 to 7 डेज में हम आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे। तो जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, वो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी उस कोर्स से जुड़ी। कंप्लीट आपका कोर्स होगा जिसमें आपके थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, आपके टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, सारी आप डिटेल्स आपको देंगे। साथ ही आपके सारी जो 1-to-1 आप डाउट्स हैं वो पूछ पाएंगे। तो सारी आपकी फैसिलिटीज़ आपको उस कोर्स में मिलेगी और बहुत ही कम प्राइस पे वो कोर्स लॉन्च होगा। तो जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें और आपको बताते हैं क्या आपकी कट ऑफ है BDS की और BSc नर्सिंग की। सबसे पहले अगर बात करें BDS कोर्स की, तो BDS कोर्स की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें हम, तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आपका आंध्र प्रदेश का मिला है 429 मार्क्स, जिसके नीट में 429 मार्क्स थे। ओपन कैटेगरी में उसका BDS कोर्स में एडमिशन हो गया है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में। OBC की बात करें तो 419 मार्क्स पे आपका सेम ही आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला है। उसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो 411 पे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज त्रिशूर मिला है। और SC कैटेगरी में 314 मार्क्स पे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आपका मिला है कोट्टयम का। उसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो 173 मार्क्स पे तमिलनाडु का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आपका मिला है। तो ये आपकी BDS की कट ऑफ थी। अब हम बात करते हैं BSc नर्सिंग की कट ऑफ की। BSc नर्सिंग की ऑल इंडिया ओपन की जो कट ऑफ की बात करें हम, तो ओपन कैटेगरी में 342 मार्क्स पे आपका फाइनल एडमिशन हुआ है कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML जो हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में उसमें। उसके बाद बात करें OBC की, तो OBC में आपका जो कट ऑफ रैंक रही वो 324 मार्क्स पे आपका OBC कैटेगरी में BSc नर्सिंग में जो आपका भोपाल में कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसमें एडमिशन हुआ है। फिर EWS कैटेगरी की बात करें तो 282 मार्क्स पे आपका एडमिशन हुआ है, वो आपका हुआ है EWS कैटेगरी में कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल में ही। और SC कैटेगरी की बात करें तो 233 मार्क्स, जिसके नीट में 233 मार्क्स थे, उसका एडमिशन SC कैटेगरी में कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में आपका हो गया। तो ये आपकी BSc नर्सिंग की कट ऑफ थी कैटेगरी वाइज, और BDS की दोनों कट ऑफ आपको हमने बता दी। साथ ही साथ जो स्टूडेंट इस साल आपके नीट में एडमिशन, नीट का जो फॉर्म है वो 15 मई उसकी लास्ट डेट है। तो जो स्टूडेंट इस बार +2 मेडिकल स्ट्रीम से कर रहे हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। नीट का जो आपका 2022 का फॉर्म रिलीज़ हुआ है अभी तक अगर आपने फिल नहीं किया, तो क्योंकि इस बार बहुत सारे जो एडमिशन्स होंगे आपके सभी मेडिकल कोर्सेज में, वो नीट के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे होंगे, बहुत कम आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो सभी के सभी स्टूडेंट जो मेडिकल स्ट्रीम्स हैं वो सारे के सारे नीट का फॉर्म ज़रूर फिल करें। और बाकी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।